एक्चुअली मैं ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ अगर मैं खड़े होके चलते फिरते आपसे बात करूँ, मैं वेलकम बैक कहना चाहता हूँ लेकिन कहना नहीं चाहता क्योंकि आप लोग कभी मुझे छोड़ के गए ही नहीं, यू वर ऑलवेज इन माई हार्ट। चले बजाए फिर क्या बात। आई हैव अ क्वेश्चन इफ आई मे। अली भाई आपने स्कूल में टॉप किया, ये बात भी है, इस पर हम बात करेंगे, और आपके पेरेंट्स प्रोफेसर हैं, तो आप पे कभी ऐसे प्रेशर नहीं आया पेरेंट्स की तरफ से कि अली यू हैव टू डू समथिंग इन इंजीनियरिंग, यू हैव टू बी अ डॉक्टर? एंड अमर ऑन द अदर हैंड, शी डिड हर अंडरग्रेड इन मीडिया फिल्म स्टडीज एंड प्रोडक्शन, अगर मैंने सही तरह नहीं बोला, फ्रॉम BNU फिल्म मेकिंग। तो TFT, तालियां बजाएं। आपको प्रेशर नहीं आया पेरेंट्स की तरफ से कि तू डॉक्टर बन, तू की है फिल्म स्टडीज करने लग गई है? पहले आप प्लीज आप जवाब दीजिए। पहले यार एक्चुअली आई वाज अ वेरी स्टूडियस ए स्कॉरर सॉर्ट ऑफ अ स्टूडेंट, तो मेरे ए लेवल्स में भी अच्छे खासे कोई दो एज और एक बी था, ओ लेवल्स में भी एज वगैरह थे, तो मुझे या तो सिर्फ पढ़ने का शौक था या फिल्में देखने का शौक था। ऑस्ट्रेलिया जाना था तो मेरी अम्मा के पास, बिकॉज शी वॉज अ सिंगल मदर, तो कुछ पैसे कम पड़ गए तो मेरा एक साल ज़ाया हो गया और ऑस्ट्रेलिया जाके मैं बिजनेस स्टडीज़ नहीं कर सकी। बट आई थिंक मैं हमेशा से कहती हूँ कि मेरी एक्शन कॉल मुझे मेरी अम्मा के पेट में मिली थी, तो मैं उससे दौड़ के कहीं जा नहीं सकती थी, एंड डेस्टिनी हैड दैट रिटन फॉर मी। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा ऑस्ट्रेलिया का तो हो नहीं रहा और अब पैसे भी उतने नहीं है कि मैं जा सकूँ, तो क्यों ना मुझे वो करने दो जो एक्चुअली बचपन से पैशन और हॉबी रहा, लेकिन इसको मैं अपना प्रोफेशन बना लूँ, मुझे फिल्म मेकिंग करनी है। तो अम्मा ने कहा तुम्हें अगर सड़क पे एक जमादार भी बनना है और वो दिल से करना चाहती हो तो आई विल नेवर स्टॉप यू। एंड सलाम ऐसी माँ को, आंटी लव यू आंटी, यू आर ग्रेट आंटी। एंड आई वाज लकी कि मेरे पेरेंट्स ने भी ये प्रेशर नहीं डाला, उन्होंने गाइडेंस दी कि तुम ये कर लो। हाँ, पढ़ाई पे बहुत फोकस रखा, जोर दिया कि तुम्हें डिग्री जरूर लेनी, तो मैंने कहा मेरा मैं आपको आर्ट्स में ले देता हूँ, सो आई वेंट टू NC एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। बट आई न्यू कि मुझे एक्चुअली म्यूजिक में ही कुछ करना है और परफॉर्मिंग आर्ट्स में, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू रियलाइज के लेट योर चिल्ड्रन लिव देयर ओन ड्रीम्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर पेरेंट्स, और इन दोनों ने ही कमाल, लोगों ने कमाल बात की। मैं अपना पर्सपेक्टिव ये डालता चलूँ कि जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, आप जो भी कर रहे हैं, यू नो वेदर यू आर पैशनेट अबाउट इट और यू आर नॉट, पैशन एक हद तक मोटिवेशन दे देता है, डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट। तो अक्सर बहुत पैशनेट होके लोग फिल्म स्टडीज या ऐसी डिग्रीज भी कर लेते हैं, लेकिन जब वो डिसिप्लिन बीच में से निकल जाता है ना, तो वो उसके अंदर भी एक्सेल करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने अपना डिसिप्लिन जरूर रखना, इट्स लाइक गोइंग टू द जिम, बॉडी बनानी है, कभी शायद आपका दिल ना चाह रहा हो जिम जाने के लिए, लेकिन वो डिसिप्लिन है जो आपको लेकर जाता है उस दिन, वरना दिल हर रोज नहीं जाता सब कुछ करने। पीछे क्या शोर की आवाज आ रही है यार, प्रियर इस तरह तो नहीं ना यार। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا لكل المحاولة لخبصرتة، ولا لخبصرتة للمهمانة، ولا للزفرة، ولا لعمرة، ولا لكل للمسلمين، ولا إيد المباركة. صدقى. خير مبارك. برادر أب كون هي؟ ولا الشيخ النان بن فنان، ولا لامد ولا لباكستان، ولا لبقى ولا للشو، ولا لعاكش للدركارة، ولا لباكستانية، ولا لمشورة، ولا العلي، ولا لزفرة، ولا لسي، ولا لسنجن، ولا عوازة، ولا لخبصرتة، ولا لدبي، ولا لحالة، ولا لبقى. हाँ सर, गली बल्ली में शोते बैठी है, गली में की कह रहे हो हमारी जुबान में, बताएं हुआ क्या? पंजाबी दसा। हाँ ऐ दसी पंजाबी दसो। अली जफर को बुक करना है। क्या मतलब बुक करना? वहाँ शो करना है, दुबई में। दुबई में शो करना है या क्या? किस हॉल में शो करना है? हर हाल में करना है। एक सेकंड यार, शो तो मैंने नहीं छोड़ना, कि कौन है शो, किसके साथ शो करना है, ऑडियंस क्या है? ऑडियंस देखिए अली भाई, आपके साथ कितने लोग होते हैं? मेरे साथ कोई 600-700। 600-700 बट ठीक है, उन्हीं के साथ शो करेंगे। क्योंकि मुझे वहां कोई नहीं जानता, मेरा शो किसी ने नहीं देखने आना। आपको पता है वो कितना चार्ज करते हैं? जितना भी करते हो, मतलब मैं कोई मामूली आदमी हूँ। देखें आप यही तय कर लें जो पैसे तय करने हैं। देखें आप बाद में ना कहना जो उधर जाके मेरे महीने का 2 लाख लेना। कभी किसी बॉलीवुड स्टार ने कीता? कौन सा बॉलीवुड स्टार ना? बड़े शो कितने की? जैसे एक शो कीता सी 80,000 दी ऑडियंस सी। अच्छा। हाँ, बड़ा बड़ा शो सी मेरा, और मैं शो तो नहीं देख सकिया। मैनू अंदर नहीं जान देता उन्होंने। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ।
ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਵਿਹਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਡੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਓਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਏਡੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਓਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗੇ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲੋਗੇ ਵਾਂ ਪਰ ਕਹਾਂ ਪਰ ਦੁਬਈ मैनेजर बात करो ना ही मैनेजर 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 आप हैं मैनेजर मैं अमर के भी जी मेरे तो हाथ धन्ने हो गए मेरे मैनेजर अली जफर हैं अच्छा आप ये बताएं हमने ये जो ग्लासेस हैं इसके पीछे क्या राज है मैं उतार देता हूँ ये ले छन्नों की आंख में एक नशा है अच्छा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं आपको भी बताना चाहूंगा और सब लोगों को जो देख रहे हैं कि जब मैं इंडिया में कपिल शर्मा शो पे गया तो वो वहाँ का बहुत बड़ा गालिबन सबसे बड़ा कॉमेडी शो है तो वहाँ पे कपिल ने मुझे बताया बैक स्टेज पे कि मैंने कॉमेडी नसीम विकी से सीखी अमर जी जी आपको वहाँ पर जाके एक्ट करना है अच्छा। अब आ जाए आपकी मोहब्बत है अली जफर अच्छा फिल्म अच्छा। के अंदर ठीक आपके अब्बा बहुत सख्त हैं ठीक इनसे है। मोहब्बत नहीं करने दे रहे ठीक इनसे है। मिलने नहीं दे रहे ओके। तो आपने कहना कि अब्बा जान मैं अली जफर से मोहब्बत करती हूँ अली के बिना जीना बहुत मुश्किल है अब्बू जी अली मेरी सांसों में मेरी रूह में बस चुका है मेरी नस नस को काट के देखिए इसमें आपको सिर्फ एक ही नाम मिलेगा अली जफर इनके बगैर अब मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती प्लीज ये मेरी हथकड़ियां जो आपने बांधी हैं ये समाज की दीवार को तोड़ दे मुझे भाग जाने दे अली जफर के साथ मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो चुकी हूँ पागल हो चुकी हूँ वेरी गुड अली भाई जो अक्सर हमारे लोग पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं फॉर बेटर लाइफ फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वो ये नहीं समझते कि फ्यूचर यही है इंशाल्लाह पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया कहेगी कि हमें पाकिस्तान जाना है और एक ऐसा शख्स जो कुछ होते हैं लोग जो पहले समझ जाते हैं बात को वक्त से पहले जो वक्त से पहले बात को समझ गया पूरी दुनिया घूम फिर के वो बंदा पाकिस्तान आ गया पाकिस्तान से उन्होंने दिल लगा लिया पाकिस्तान में उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की उनका दाना पानी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में लिखा उन्होंने दुनिया भर के पासपोर्टों को ठुकराकर ग्रीन पासपोर्ट को दिल से लगाया फखरे पाकिस्तान है ये आपकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूंगा जनेरा आ इधर हुन बजाओ वालेकुम अस्सलाम हाउ आर यू ईद मुबारक शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम हाय हाउ आर यू यू कैन सिट व्हेरेवर बट आई वुड लाइक टू रेकमेंड द हॉट सीट हियर